नमस्कार, स्वागत है आप सभी का घमासान.com में। आज महिला दिवस के मौके पर हम आए हैं इंदौर के कलाकक्ष संस्था में, जो पिछले 30 सालों से इंदौर में चल रहा है। और यहाँ की ऑनर मिसेस रेणु भार्गव हैं हमारे साथ आज यहाँ पर, जिन्होंने कई बच्चों को अलग अलग कलाएं सिखाई हैं और वो बच्चे आज अपने देश और शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो कलाकक्ष संस्था आप चला रही हैं, ये आपने कब से स्टार्ट किया? देखिए, कलाकक्ष चला रही हूँ मैं 1988 से, है ना, तो करीबन 30 साल हो गए। हाँ। और जब 30 साल पहले, तो जब मैं इंदौर में हम आए, हम लोग एक्चुअली गल्फ में रहते थे तब। अच्छा। और गल्फ में रहने के टाइम तब तो हम इतना कुछ नहीं कर सकते थे जी। और जब इंडिया में आए, तो मैंने इंदौर में आने के बाद कुछ क्लासेस सर्च करी कि हाँ, अगर मैं कुछ सीखना चाहूँ या कुछ करना, मैंने देखा इंदौर में कुछ है ही नहीं जी। तो और फिर कुछ करना भी चाहती थी मैं, कि मेरे को लगता था कि मैं कुछ करूँ और जो कुछ मैं जानती हूँ दूसरों को भी सिखा दूँ जी। तो फिर मैंने घर से इसको स्टार्ट किया 88 से। और देखिए, वो जर्नी आज आते आते यहाँ पर यहाँ तक आ गई है। तो ये जो कलाकक्ष संस्था आप संचालित करती हैं, तो इसमें ऐसी कौन कौन से आर्ट्स हैं जो बच्चों को सिखाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ एक्चुअली शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी रहते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज भी रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। हाँ। कि जैसे एक दिन से लेकर के, अगर हम बात करें, 3 मंथ्स के कोर्सेज भी हैं, 6 मंथ कोर्सेज भी हैं, फिर 1 ईयर कोर्सेज और उस तरीके से। तो जैसे पेंटिंग्स हो जाती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स जी, है ना। तो क्योंकि हर टाइम हर बच्चा डिप्लोमा कोर्स करेगा नहीं, तो कुछ हमने ऐसी चीज़ें निकाली कि जिसको हम शॉर्ट टर्म में करा के और बच्चों को ऐसा सिखा दें कि वो आगे भी कुछ कर सके। तो पेंटिंग्स हो जाती है, ब्लॉक पेंटिंग्स हैं, म्यूरल वर्क होता है हमारे यहाँ, सिरेमिक्स में हम लोग बहुत काम करते हैं, ग्लास पेंटिंग्स में भी पूरा हमारा डिटेल वर्क होता है, ग्लास इचिंग, फ्रॉस्टिंग, ये सब चीज़ें हम लोग कराते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं और जिनको हम सिखाते हैं, जिनका कमर्शियल यूज़ हो सकता है उस तरीके से। मीन्स ऐसे कोर्सेज आप बच्चों को सिखा रहे हैं जो आगे जाके उनके लिए अच्छे हों और उस पर वो और काम करें। राइट, है ना। क्योंकि अब तक आप देखें कि कम से कम हमारे यहाँ 15,000 बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं जी। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, खुशी भी है मेरी, क्योंकि जो मेरी मेहनत है उस तरह से सफल हुई है। क्योंकि मैंने हमेशा वही सोचा है कि जो भी हम करें वो यूज़फुल होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि करा और वेस्ट हो गया जी। वो सब नहीं मैं चाहती हूँ। कलाकक्ष आपने स्टार्ट किया, तो इस फील्ड में आपको भी इंटरेस्ट रहा होगा, तभी आपने ये स्टार्टिंग किया तो। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं म्यूज़िक की दुनिया में ज़्यादा खुश रहती थी जी। क्योंकि मैंने सितार में जब विशारद किया, और तब मैं सोचती थी कि मैं सितार को ही अपना करियर बनाऊँ और सितार को बहुत आगे ले जाऊँ, है ना, उसी दुनिया में मैं खुश रहना चाहती थी, सितार, गिटार और ये सब चीज़ें। लेकिन शादी हुई, शादी के बाद जैसे नॉर्मली लड़कियों की लाइफ चेंज हो जाती है, इंडिया से मैं बाहर चली गई और फिर वापस आई, फिर उस चीज़ में स्टैब्लिश करने में थोड़ी सी कुछ परेशानियाँ थी जी। कि मैं म्यूज़िक इंस्टीट्यूट एक्चुअली डालना चाहती थी जी। और वो एक अच्छे लेवल पे, कि जिसको बहुत एक बड़े लेवल पे मैं ले जाती, है ना, लेकिन उस टाइम वो सब चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर सोचा कि कुछ ना कुछ तो करूँ मैं जी। और जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि चित्रकला और ये सब चीज़ें पेंटिंग्स में बचपन से करती थी। हाँ। मेरे को आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट जरूर रहा था, तो सोचा शुरू करती हूँ। और बच्चे क्योंकि छोटे थे, तो घर से शुरू करा, घर से शुरू किया। लेकिन फैमिली का सपोर्ट था जी, है ना, हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे इन-लॉज सब बहुत अच्छे हैं, तो सब जनों के सपोर्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाँ। और बस फिर चलता चला गया। मतलब आपको पूरा फैमिली का सपोर्ट मिला और फैमिली के सपोर्ट ने आज आपको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। तो इस आर्ट्स में आपने कुछ डिग्री ली है? नहीं, आर्ट्स में डिग्री तो मैंने नहीं ली जी, है ना, ये सिर्फ मेरा शौक था, क्योंकि सितार में जरूर मैंने मास्टर्स किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस शख्सियत से आज हम मिले हैं, वो कला के क्षेत्र के साथ साथ एक दूसरी कला में भी पूरी तरह से निपुण है। जैसे कि मैम बता रही हैं कि सितार और गिटार का उन्हें काफी शौक रहा है। हाँ जी, तो एजुकेशन में तो मैंने ये नहीं लिया था, लेकिन मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए भी किया था जी। तो लेकिन उस टाइम ये फाइन आर्ट्स का सोचती जरूर थी, पर मैं नहीं कर पाई। मैम, आज महिला दिवस है जी, तो उसके ऊपर आप कुछ संदेश देना चाहती हूँ?
हाँ वैसे मैं बताऊँ महिलाएं खुद अपने आप में इतनी सशक्त हैं जी, लेकिन उनमें डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब वो दो चीजें मिल जाएंगी तो वो दुनिया में जो चाहे वो कर सकती है। और वैसे भी आज देखिए महिलाएं कहाँ कहाँ पहुँच गई है, बिल्कुल है ना जी। तो इसलिए बस महिलाओं में कॉन्फिडेंस होना बहुत बहुत जरूरी है और अपने आप को स्ट्रांग मानना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से कम है। मैम कला कक्ष में आप जो आर्ट सिखाती हैं लोगों को, तो आप हमें थोड़ी डिटेल्स बताएंगी कि आर्ट क्या होता है, इसमें क्या चीजें होती हैं? हाँ जी दीक्षा, देखिए आर्ट एक ऐसी चीज है कि जिसको हम बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, ये शब्द हमें हर जगह मिलता है। अगर मैं साहित्य या लिटरेचर की बात करती हूँ तो उसके अंदर भी मैं देखती हूँ कि साहित्य का वर्णन उन्होंने उप विद्याओं के नाम से प्रस्तुत किया कि उप विद्याएं हैं ये, तो उसके अंदर उन्होंने काव्य और कला दो चीजों का वर्णन मैंने पढ़ा, तो जो काव्य को उन्होंने कलाओं से ऊपर रखा। लेकिन आज के टाइम पे जब हमारे जो विचारकों ने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि काव्य से नीचे है कला या कला से ऊंचे, ऊंचा है नीचा कुछ नहीं, कला अपने आप में इतनी ज्यादा असीमित है आजकल, एक आसमान की तरह कला छू रही है, है ना। फिर जैसे हम अगर अध्यात्म में पढ़े तो 64 कलाओं का वर्णन मैंने हर जगह पढ़ा कि 64 कलाएं होती हैं। फिर जैसे शिव ग्रंथों में पढ़ा कि 36 कलाएं होती हैं, तो 36 कलाएं होती हैं। फिर इधर जब एक सोमराज करके जो एक विचारक हुए और जिन्होंने बहुत इन चीजों को आगे बढ़ाया, कला के बारे में जाना, तो उन्होंने एक अभिव्यक्ति दी कि क्या चीज होती है कला। तो उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि अपने आत्मा को अभिव्यक्त करने के लिए जो भी हम वस्तु का या जिस भी तरीके का यूज करते हैं वही कला है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वादन हो, चाहे गायन हो, चाहे हमारी चित्रकला है, पेंटिंग है या मूर्ति कला है, किसी भी तरीके से हम अपनी आत्मा को अभिव्यक्त कर सकें वही कला होती है। मतलब जिस चीज में आप अपना मन लगा सकते हैं और आपके मन के भाव जिसमें बाहर आ रहे हैं वही कला होती है। हाँ जी, तो वही कला है जी। मतलब ऐसा है कि ये आर्ट कोई भी सीख सकता है, महिला बच्चे? बिल्कुल सीख सकते हैं, कोई भी चीज कोई भी जना सीख सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है जी, है ना। क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि जो चीज मैं चाहती हूँ मैं कर लेती हूँ जी, बस सिर्फ मेरे दिमाग में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हमारा डिटर्मिनेशन जरूरी है किसी भी चीज के बारे में, पर कई लोगों को पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं और पूछती हैं कि मैडम अब हम क्या कर सकते हैं जी, बच्चे बड़े हो गए, हमारे पास अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करें जी। तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि ऐसा आप कुछ करो जो खाली, पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका शौक है कि आप इसको कुछ कमर्शियली करना चाहती हैं। तो अक्सर महिलाओं का ये होता है कि हम कमर्शियली कुछ करना चाहते हैं, खाली शौक तो अब नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जिससे हम कुछ अपनी अर्निंग हो, जिससे हम थोड़ा स्वावलंबी हो जाए और हमारी पॉकेट मनी हमें मिल जाए, इतना भी हम कर ले तो बस। तो मैं देखती हूँ कि जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई पहले के जमाने में बहुत होती थी, आज भी वो चीजें खत्म नहीं हुई हैं, पर उसके रूप बदल गए। जैसे बुटीक हमने खोल लिया तो टेलर्स रख लिए हमने, पहले महिलाएं खुद ही करती रहती थी, खुद ही एम्ब्रॉयडरी करती, आजकल हम उन चीजों के लिए हायर कर लेते हैं, लेकिन हम डिजाइनिंग कर सकते हैं कि हम डिजाइन खुद करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें किसी दूसरे ढंग से। फिर जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग सीख सकते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग सीख सकते हैं, कैंडल मेकिंग सीख सकते हैं, आजकल कैंडल्स का बड़ा यूज होता है हर जगह, है ना, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, कहीं भी जाओ आप गिफ्ट पर्पस से या किसी भी, और बहुत अच्छी चीजें बनने लगी है, कैंडल्स के भी रूप बदल गए और उसको कमर्शियली यूज कर सकते हैं। अभी जैसे आप यहाँ पे भी क्लास में देखेंगे इतनी सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं, म्यूरल्स है, पेंटिंग्स है, सिरेमिक होता है और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, और हर चीजों में से कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आता है जो बच्चे अपने को कमर्शियली यूज के लिए कर सकते हैं। हाँ जी जी। ऐसे कॉलेजेस या संस्था जहाँ के लिए आपने बच्चों को प्रिपेयर कराया हो? हाँ, जैसे NIT के लिए बच्चों को बड़ा क्रेज होता है कि हम NIT जाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में जाएं, है ना, वहाँ का कराती हूँ, NIFT के लिए कराती हूँ प्रिपेयर, पर्ल एकेडमी नाटा के लिए सीट की कोचिंग हम लोग देते हैं और JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, MSU बड़ौदा, ऐसे हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो इंडिया के जो टॉप लेवल कॉलेजेस हैं उन सब के लिए हम लोग स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आपका नाम रोशन किया हो इन बड़ी संस्थाओं से निकलकर आज जो कहीं अच्छी जगह पर, बहुत बच्चे ऐसे, बहुत सारे बच्चे, इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। अच्छा, तो और आज मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय या काम जरूर कर रहे हैं और अच्छी पोस्ट पर भी हैं काफी लोग, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी देता है जी। इसको आप मतलब अनवरत आगे जारी रखते रहना चाहेंगे और स्टूडेंट्स को सिखाते रहना चाहेंगे? हाँ, ये तो मेरा पैशन है कि जब तक मेरी सांसें चले तब तक मैं काम करती रहूं और
आगे भी बढ़ाती रहूं। बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है कि आपका कलाकक्ष ऐसे ही चलता रहे और बच्चे सीखते रहे। थैंक यू सो मच दिशा। तो आज हम आए थे मैम के पास, हमने जाना मैम से कि आर्ट क्या होता है, ये कला कोई भी सीख सकता है, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और अपनी कला को बढ़ावा दे सकते हैं मैम के थ्रू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।